वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ होममेड टोनर, जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। होममेड टोनर बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ कुकुम्बर, और हम बनाने वाले हैं कुकुम्बर वाला टोनर। तो गाइस, सबसे फर्स्ट स्टेप जो हम करेंगे कुकुम्बर टोनर बनाने के लिए, हम अपने कुकुम्बर को ग्रेट कर लेंगे। और उसके बाद हम एक पैन में पानी लेंगे, और आप उतना पानी लें जितना आपको कुकुम्बर टोनर बनाना है। बट ये याद रखें कि हमें उसका हाफ, बिल्कुल हमें पका के उसका हाफ कर लेना है। और जब पानी हमारा बिल्कुल गर्म हो जाएगा, उसके बाद ही हम कुकुम्बर जो हमने ग्रेट किया हुआ है वो डालेंगे। कुकुम्बर वाला पानी हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये आधा ना हो जाए। जैसे कि अगर आपने 2 ग्लास वाटर लिए हैं, तो ये जब तक 1 ग्लास वाटर ना बन जाए तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा बच्चे खेल रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी मैं बोलना चाहूंगी। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम अच्छे से इस पानी को पकाएंगे जब तक कि ये आधा ना हो जाए। और उसके बाद जब ये हमारा पक जाएगा पानी, तो हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद आप इसे मिक्सर या ग्राइंडर की हेल्प से इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्सचर बना लें। और उसके बाद हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद जो आपके पास मटेरियल होगा वो होगा आपका कुकुम्बर टोनर। और ये बहुत ही सिंपल मेथड है और नेचुरल प्रोसेस है, जो आप अपने घर पे ही कुकुम्बर टोनर बना सकते हैं। गाइस, कुकुम्बर में नेचुरल कूलिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और कुकुम्बर टोनर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो आपके ओपन पोर्स होंगे उनको क्लोज करने में हेल्प करेगी। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जो आपका एक्सेस ऑयल होता है स्किन में वो आपका रिमूव करती है। और गर्मियों में ये आपके स्किन को हाइड्रेट और कूलिंग रिफ्रेशिंग इफेक्ट देगी, और ये डीप क्लींजिंग का काम करेगी आपके स्किन में। डार्क सर्कल्स को आपका लाइट करेगी, ये फाइन लाइंस को रिड्यूस करती है, पफी आईज को ठीक करेगा, फेशियल रेडनेस को रिड्यूस करेगा, सीबम सिक्रेशन को रिड्यूस करेगा। तो अभी जो मैंने बनाया था कुकुम्बर होममेड टोनर, वो मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ। अभी मैंने कोई मेकअप यूज नहीं कर रखा, सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक लगा रखी है और काजल यूज कर रखा है। कोई फेस पे ना बीबी क्रीम, ना सीसी क्रीम, ना कोई फाउंडेशन है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप थोड़ा सा एक बार इसको। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे यूज करें और कब यूज करें। कैसे यूज करना है ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ, बट आपको कब यूज करना है। आप इसे एक दिन में 2 बार यूज करें और फेस वॉश करने के बाद यूज करें, जिससे कि आपके जो ओपन पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। और इसको क्या कहते हैं, आप स्टोर करके रखें फ्रिज में, क्योंकि हम ये नेचुरल बना रहे हैं। जो आप मार्केट से खरीदते हैं उसमें केमिकल होता है, तो वो आप बाहर रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता, बट ये आप स्टोर करके फ्रिज में ही रखें, क्योंकि अगर ये आप फ्रिज में नहीं रखोगे तो ये आपका 24 घंटे के अंदर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल है, होममेड है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।